बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने लिया है आधा किलो मटन और मैंने उसके लिए बोन मंगा के मैंने उसको उसका जूस निकाल लिया है, सूप ऐसा बना लिया ताकि इसको हम इसमें मिक्स करेंगे तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है नारी का। और इसके लिए मैंने एक ऑरेंज लिया है, बाद में इसको मैं डालूंगी। ये मैंने बेसन लिया है एक कटोरी, मैंने आटा लिया है एक कटोरी, मैंने दही लिया है और एक टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है और एक टेबलस्पून हल्दी, एक टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर और स्पाइसी आपको ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा डाल सकते हैं। ये मैंने तली हुई प्याज ली जिसको मैंने पीस लिया है और ये इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है जिसको मैंने भिगो लिया है, ये भी डालेगा। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी एक कटोरी पड़ेगा, 4 टेबलस्पून। इसी में मैं नारी मसाला डालूंगी थोड़ा सा, 2 टेबलस्पून मैं नारी मसाला डालूंगी फॉर द टेस्ट। बनाते हैं आपके लिए निहारी। हम प्याज इसमें डालेंगे, इसको हम लाल कर देंगे प्याज डाल के और इसी में हम मटन डालेंगे, बघार देंगे इसमें। इसी में हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे, 8 टेबलस्पून मैंने डाला है इसमें जिंजर गार्लिक। अब इसी के साथ इसको भूनते जाएंगे, इसी में हम गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ा डाल के इसको हम भूनते रहेंगे। लहसुन अदरक में जब भून जाएगा इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, इसे हल्दी डाल देंगे और थोड़ा दही डाल देंगे, फिर इसको हम थोड़ी देर गलने के लिए, इसको भून के हम गलने के लिए छोड़ देंगे। जब गल जाएगा तो इसमें हम आटा बेसन सब भून के तब डालेंगे। देखिए हम इसमें अब जो बोन्स का मैंने जूस निकाला था वो डालेंगे ताकि इसके साथ पके। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि गोश्त गल जाए, गोश्त गल जाएगा। अब आप जल्दी में अगर बनाना चाहते हैं तो कुकर में भी बना ले और ऐसे बनाना चाहे तो ऐसे भी गोश्त गला ले, गोश्त गला के तब इसमें मसाला। देखिए हम इसको 2 चम्मच के करीब इसमें मसाला डाल देंगे पत्ते में ही, ये देखिए इसमें मिक्स हो जाएगा और नारी मसाला अब ये धीमे धीमे पकती रहेगी। थोड़ी देर बाद इसको हम देखिए 2 चम्मच बेसन डाल दिया हमने, ये देखिए अब इसमें 2 चम्मच हम आटा डाल देंगे, इसमें देखिए हम 2 चम्मच आटा मिला देंगे। और इसको हम भून लेंगे, अब इसमें हम जरा सा तेल डालेंगे ताकि ये इसी में थोड़ी मिक्स हो जाए पानी, पानी नहीं डालेंगे हम इसमें तेल से मिक्स करेंगे, क्योंकि तेल से मिक्स करने में क्या होता है इसका बेसन का टेस्ट कच्चापन नहीं रहता है, बेसन का टेस्ट अच्छा आता है, ना आटे का कच्चापन आता है ना बेसन का, और मिक्स हो जाता है। देखिए हम तली हुई प्याज मैंने पीस ली थी इसी बेसन में मैं मिक्स किए दे रही हूँ, ये देखिए इसी में मैं खुशबू का मसाला और ये गरम मसाला इसमें मिक्स कर देंगे हम, इसमें हम पानी मिक्स कर देंगे और ये इसके साथ इसको हम ऐसे करके ऐसे देखिए इसको हम जितना गीला करते जाएंगे इसको थोड़ा इसको और ताकि मिक्स हो जाएगा तो जब हम नारी में डालेंगे इसको उसमें लम्स नहीं आते हैं और अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ये देखिए इसमें हम मिक्स कर देंगे इसको और उसके साथ थोड़ी देर पकाएंगे ताकि इसका टेस्ट भी आ जाए उसमें नारी में, और चाहे तो आप इसका ऊपर से ऑयल निकाल के रख लें अलग, क्योंकि ये जब आप तेल या डालेंगे बेसन और आटा तो इसका ऑयल जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है। हम इसका ऑयल निकाले ले रहे हैं ताकि ये मिक्स हो जाएगा तो फिर नारी वैसे खराब लगती है बिल्कुल, जैसे लगता कुछ है ही नहीं जब ऊपर से, जब तक ये इसको ऑयल नहीं डालेंगे, तीरा इसको बोलते हैं, अगर नहीं डालेंगे
तो मजा नहीं आता नारी में। तो मैं इसको देखिए, इसमें जो हमने जो कॉर्नफ्लावर घोल के रखा था 2 चम्मच, इसको भी मिलाते जाएंगे और इसको आप चला लीजिए ऐसे, ठीक है। देखिए नहारी की खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत मजे की नहारी बनी है। ये देखिए नहारी मैंने अब बना ली है। ये देखिए गोश्त भी गल गया है और इसमें मैंने तीरा, थोड़ी सी अदरक कटी हुई, ये देखिए मैंने ये कटी हुई अदरक, अदरक कटी हुई और हरी मिर्चा और हरा धनिया ये सब डाल दिया इसमें ऊपर से, और डालिए आप भी जिसको जैसे खाना हो उस तरह से, ठीक है। और मोटी रोटी के साथ, नान के साथ खाएं, मजा आ जाएगा। प्लेन राइस।